गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं आज की क्लास में हम करेंगे एसे 520। सर एसे करवा रहे हो, चैप्टर 8 करवा रहे हो? बेटा चैप्टर 8 के अंदर बेसिकली कवर है एसे 520, जिसका नाम है एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर पूरा ध्यान लगा देना, पूरा ध्यान लगा देना इस टॉपिक के ऊपर। एनालिटिकल वर्ड बना था एनालिसिस से, एनालिसिस से। एनालाइज में क्या होता है, हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कंपेयर फ्यूचर से भी कर सकते हैं, कंपेयर पास्ट से भी कर सकते हैं, और कंपेयर इक्विलेंट से भी कर सकते हैं। मतलब सेम लेवल पे जो बंदा है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कहीं भी हो सकता है बेटे। एनालिटिकल प्रोसीजर वर्ड बना एनालिसिस से। एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कंपेयर फ्यूचर से भी हो सकता है, कंपेयर पास्ट से भी हो सकता है, और कंपेयर सिमिलर लेवल पे भी हो सकता है। इतनी बात मैंने आपको बताई। जी सर, जब मैंने ऑडिट स्टार्ट करवाया था उसके बेसिक कॉन्सेप्ट कराए थे, उस बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैंने ये एग्जांपल आपको दिया था कि मेरी सिस्टर मुझे लगता है बहुत तेज भागती है, वो बहुत तगड़ी रेसर है, लेकिन जब उसका एक दिन मुकाबला करवाया गया, ग्राउंड में कॉम्पिटिशन हुआ, तो पता लगा वो सबसे पीछे थी। कब पता लगा? जब कंपेयर किया। सभी बच्चे पढ़ते हैं आईसीआईबी हर 6 महीने में क्या करता, तुम्हें कंपेयर करता है। कैसे? टेस्ट लेके कंपेयर करता है, तब पता लगता है, तब पता लगता है कौन बच्चा आगे है, कौन बच्चा पीछे है। सर फ्यूचर से कैसे कंपेयर करते हैं? जब आप बजट बनाते हो, जो हुआ उसको बजट के साथ टैली करते हो। पास्ट, पास्ट में जितने भी इवेंट और हिस्ट्री आपकी हुई है उसके साथ जब आप कंपेयर करते हो, और सिमिलर सेम लेवल पे जो बंदा एग्जिस्ट करता है जब आप उसके साथ कंपेयर करते हो। कंपेयर करके डिसीजन लेने से, कंपेयर करके डिसीजन लेने से डिसीजन अच्छे हो जाते हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर कुछ नहीं, कंपेयर करना होता है, कभी फ्यूचर से, कभी पास्ट से, कभी सिंपल से, ताकि अच्छे डिसीजन लेके आ सके, ट्रेंड का पता लग सके, ट्रेंड का पता लग सके, रेशियोज का पता लगाया जा सके। किसी सिंपल चीज को, सॉरी किसी नॉर्मल ट्रांजेक्शन को सिंपली रीड ना करके उसके ट्रेंड्स को पता लगाना क्या कहलाता है? एनालिटिकल प्रोसीजर कहलाता है। पुराने टाइम में ऑडिटर इस टेक्निक को यूज नहीं करते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए एसपी होते हैं। एसपी, एसपी का मतलब बेटा सबस्टांटिटिव प्रोसीजर, सबस्टांटिव प्रोसीजर। सर ये क्या होते हैं? अगर तुम्हें याद हो, अब याद भी तो दिलाना पड़ता ना, अगर तुम्हें याद हो प्रोसीजर दो टाइप के होते थे, एक कॉम्प्लायंस प्रोसीजर, एक सबस्टांटिव प्रोसीजर। कॉम्प्लायंस प्रोसीजर के अंदर चेक होते थे कंट्रोल, और सबस्टांटिव प्रोसीजर के अंदर होते थे ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस। सबस्टांटिव प्रोसीजर कौन लगाता है? ऑडिटर। इसको लगाए बिना वो अपनी रिपोर्ट नहीं बना सकता साहब। तो आज के टाइम पे एनालिटिकल प्रोसीजर ऑडिटर के लिए उतना ही जरूरी है जितना उसके अदर सबस्टांटिव प्रोसीजर जरूरी होते हैं। चलिएगा, बहुत बढ़िया। फटाफट एक बार बुक से मैच करवाने का प्रयास करूंगा जितना मैंने करवाया है। एसे का नाम है बेटा 520। सभी बच्चे याद करें, एसे का नाम है 520। जरूरत क्या थी? सबसे पहले नीड, क्यों जरूरत पड़ी एनालिटिकल एनालिसिस करने की? तो हम बोलेंगे रूटीन चेकअप कई बार अच्छा रिजल्ट नहीं देते, वो सारी गलतियां नहीं ढूंढ पाते, इसलिए जरूरी है एनालिटिकल करना। एक पॉइंट, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, एनालिटिकल प्रोसीजर भी उतने इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं जितने सब्सटेंटिव प्रोसीजर थे। ऐसे नंबर क्या है? 520। पहला पैराग्राफ पूरा याद करा चुका हूं। दूसरा, मीनिंग बताओ सर, मीनिंग बताओ एनालिटिकल प्रोसीजर की। डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन क्या है एनालिटिकल प्रोसीजर? द टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर हम इवैल्यूएशन करते हैं। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम इवैल्यूएट करते हैं। थ्रू कैसे? हम एनालाइज करते हैं। क्या? रिलेशनशिप निकालते हैं फाइनेंशियल डेटा की भी और नॉन फाइनेंशियल डेटा की भी। अब सवाल होता है ये रिलेशनशिप हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं? इसके लिए आप पढ़ेंगे नेचर में जाके हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर किसको? एक कंपेयर होता है प्रायर पीरियड के साथ, एक कंपेयर होता है आने वाले पीरियड मतलब फ्यूचर के साथ, और एक कंपेयर होता है सिमिलर के साथ। 1.2.3 पॉइंट, यही पॉइंट मैंने बोला था। एनालिटिकल प्रोसीजर में हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर किसके साथ? प्रायर पीरियड मतलब पास्ट के साथ, एंटीसिपेटेड मतलब फ्यूचर के साथ, और सिमिलर मतलब सेम लेवल के साथ। इस डेफिनेशन को मेरे को याद करके सुनाओगे? एक बार मैं आपको सुना दूं। एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ऑफ किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू
एनालिसिस करते हैं, किसका, रिलेशनशिप का, किस किसके बीच में, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में। ऐसे नंबर क्या है 520। कोई भी एक बच्चा डेफिनेशन सुनाए एनालिटिकल प्रोसीजर की, जल्दी बेटा। अगर मेरी नेटवर्क पूरे हैं और आवाज तुम्हारी तक आ रही है तो इसमें हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर तीन चीजों के साथ हो सकता है, कहां कहां, ऐसे नंबर क्या है। ये ऑडिटर के लिए आज के टाइम उतना इंपॉर्टेंट बन गया है जितना कि सबस्टांटिव प्रोसीजर होते हैं। तीनों पैराग्राफ हो गए, जल्दी जहां जहां निशान लगाऊं उतना ही करना बस। पर्पज, चौथा पॉइंट है पर्पज, हम इसको यूज क्यों करते हैं, गलत करने के लिए, सही करने के लिए, सही करने के लिए। तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर हमें असिस्ट करते हैं, हम असिस्ट कहां होते हैं बेटा, हेल्प करना, हेल्प। ये एनालिटिकल प्रोसीजर में हेल्प करते हैं क्या करने में, हमारा एंटी डिसाइड करने में, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट प्लानिंग करने में हमें मदद करते हैं। इनको हम सबस्टांटिव प्रोसीजर की तरह यूज कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, और ओवरऑल ओवरऑल हमें रिपोर्ट बनाने में, रिव्यू करने में बड़ी मदद कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक लाइन में बोलूं तो ये हमारे लिए हेल्प करते हैं, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, पर्पस यूज कर रहा हूं। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, डालो वहां पे होमवर्क। फिर से एक बार मैं याद करवा दूं, एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएशन, किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किसके साथ, थ्रू द रिलेशनशिप, किस किसका, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा का। टाइमिंग, हम एनालिटिकल प्रोसीजर हम कब कब एनालाइज करते हैं सर, जब ऑडिट करते हैं, तीन फेज में हम एनालाइज करते हैं, तीनों फेज में। बड़ा आसान क्वेश्चन बेटा, ये आएगा नहीं वैसे। प्लानिंग करते टाइम पे एनालाइज करते हैं, टेस्टिंग करते टाइम पे एनालाइज करते हैं, और जब लास्ट में रिपोर्टिंग करते हैं, जब ऑडिट कंप्लीट करते हैं तो भी एनालाइज करते हैं। उसने पूछा क्या है, टाइमिंग, किस किस टाइम आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे, तो हम कहेंगे बिगिनिंग में जब हम प्लानिंग कर रहे थे, मिड में जब हम परफॉर्मेंस कर रहे थे। बेटा प्लानिंग के बाद जो टेस्टिंग फेज है, इसको दूसरा नाम होता है परफॉर्मेंस फेज, परफॉर्मेंस साइड में लिख लो आप। प्लानिंग के टाइम भी एनालिटिकल प्रोसीजर यूज होते हैं, परफॉर्मेंस के टाइम भी यूज होते हैं, और कंप्लीशन मतलब रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग के टाइम भी इनको यूज किया जाता है। आए तो तीन हेडिंग बता के तीन लाइन बता देना, यहां तक का सारा मामला मैंने करवा दिया, आगे चलते हैं। यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, सर आपने वहां कहा था आजकल एनालिटिकल प्रोसीजर को वैसे यूज किया जा सकता है जैसे सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं, इसके लिए चार स्टेप लगाने, हाउ टू यूज एनालिटिकल प्रोसीजर, यहां पे डाल लेना बेटा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यू, चार स्टेप होते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने के, मतलब सर एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने का एक तरीका होता है भाई साहब, वो तरीका फॉलो नहीं करोगे ना तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। हर चीज को फॉलो करने का बेटा, सॉरी हर चीज को लागू करने का एक तरीका तो होता ही है ना। तो स्टेप पूछ ली इसने, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री, और लास्ट में जाके स्टेप नंबर फोर। मजे की बात बताऊं, स्टेप कभी भी पार्ट में नहीं आते, कई बार बता रखा है स्टेप पार्ट में नहीं आते। तो चारों स्टेप की हेडिंग और एक एक लाइन अगर आपको याद होती है पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। दूसरा, स्टेप नंबर टू पे अलग से क्यों मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन ऐसा है जो अंदर से भी आ सकता है, बाकी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो अंदर से नहीं आ सकता। स्टेप टू क्वेश्चन मार्क कर लेना इस पे, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, सेपरेट क्वेश्चन कैन बी कम यहां से। सबसे पहले स्टेप पढ़ते हैं क्या है, पहला स्टेप मैं लिख के दिखा दूं आपको, पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले मतलब आप क्या लगा रहे हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर, उसको कैसे यूज करें सबस्टैंटिव में, तो इसको शॉर्ट में बोलेंगे सैप, सबस्टैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सैप की फुल फॉर्म है सबस्टैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। को यूज करने से पहले पहला स्टेप आपको क्या है, डी, डिटरमाइन द सुटेबिलिटी, डिटरमाइन द सुटेबिलिटी, सर सुटेबिलिटी क्या होता है, ऑफ सैप। सबसे पहले ये देखो क्या वहां पे सैप लग भी सकता है या नहीं लग सकता, कभी ऐसा डाटा वहां पे हम एनालाइज कर ही ना सकते हो, एक साल का ही डाटा दे रखा था वो भी बिल्कुल लेटेस्ट, किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ सैप, क्या वहां पे सैप लग भी पाएगा या नहीं लग पाएगा, लग पाएगा तो ही लगाना है। तो क्या चेक करना बेटा, कीवर्ड क्या हुआ, सुटेबिलिटी, क्या कीवर्ड हुआ, सुटेबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, सर लग तो पाएगा, अब दूसरे नंबर पे क्या देखना है,
आपको पता है सेप में हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर जिसके साथ करेंगे, कंपेयर जिसके साथ करेंगे उसका लेवल होना जरूरी है, बिल्कुल। इवेलुएट, इवेलुएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, जिसके साथ कंपेयर करेंगे वो डेटा क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। ये हेडिंग यू के यू आने चाहिए पेपर में, इवेलुएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, तीसरा हेडिंग। तीसरा, जब मैं इनको कंपेयर करूंगा तो मैं एक रेंज डेवलप करूंगा, डेवलप अ रेंज, डेवलप अ रेंज ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट, रिकॉर्डेड जो डेटा मेरे पास था जिसको मैं कंपेयर करने वाला हूं उसकी मैं एक रेंज डेवलप कर लूंगा। सर रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है बेटा, अगर मैनेजमेंट की जगह मैं काम करता, अगर मैनेजमेंट की जगह मैं काम करता तो क्या कितना रिजल्ट आता, जितना नॉर्मली आता है, जितना नॉर्मली आता है उसको रेंज बोलते हैं, उसको रेंज बोलते हैं। जैसे मैनेजमेंट 100 जोड़ी जूते बना रही है, क्या बना रही है, 100 जूते। नॉर्मल एक फिगर है कि अगर 100 जोड़ी जूते बनाए जाते हैं नॉर्मली 20 खराब होते हैं, अगर मैं भी जूते बनाता तो 20 पेयर खराब हो जाते हैं। तो ये 20 क्या है, एक रेंज निकल के आ गई। इस रेंज को कंपेयर करना है किसके साथ बेटा, एक्चुअल के साथ कंपेयर करना है। अब एक्चुअल में कितने खराब हुए भाई, एक्चुअल में खराब हुए 40, ओ माय गॉड, रेंज थी 20, एक्चुअल में खराब कितने हुए 40। तो ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस जो है ये ज्यादा आ गया ना, क्या गया डिफरेंस ज्यादा। जब जब भी डिफरेंस ज्यादा आएगा मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं बेटा हमारा काम कम होगा या बढ़ेगा, बोल के बताओ। पक्की बात है, ठीक है जी। क्या आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी बेटे, क्या आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। चलिए चारों स्टेप मैं फिर से लिख रहा हूं, पूरे पूरे एक बार मैं चारों स्टेप फिर से लिख के दिखा रहा हूं, साथ के साथ याद कर लेना, जिससे पूछूंगा उसी से सुनूंगा। फर्स्ट, सबसे पहले स्टेबिलिटी चेक करो, सैप लग भी सकता है नहीं सकता, स्टेबिलिटी ऑफ सैप, लो सर लिख दिया। दूसरा, कंपेयर करोगे तो डेटा का रिलायबल होना जरूरी है, इवेलुएट, इवेलुएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, डेटा रिलायबल होगा तो ही कंपेयर करना, अदरवाइज कंपेयर नहीं करना। तीसरा, डेवलप करो, डेवलप करो क्या, एक रेंज, किसकी, ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट, जो आपके पास रिकॉर्ड आपने डेटा का रखा है उसकी एक रेंज खुद से बना के देखे, देखो ये देखो क्या वो लिमिट के अंदर है, लिमिट के अंदर बाहर है। फोर्थ, अब कंपेयर करो, लास्ट में कंपेयर करके क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, या तो ये डिफरेंस, या जो डिफरेंस है या तो वो एक्सेप्टेबल है, या तो वो एक्सेप्टेबल होगा, 20 खराब होते, 18 खराब होते, 15 खराब होते, चलो यार नॉर्मल एक्सेप्ट कर लेते हैं, या वो अनएक्सेप्टेबल होगा। अगर ये अनएक्सेप्टेबल होगा तो इसको यूं का यूं छोड़ देना है या फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है, फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। तो कंपेयर द डिफरेंस ऑफ किसका, रिकॉर्डेड अमाउंट एंड रेंज, रिजल्ट वुड बी एक्सेप्टेबल और नॉट, अगर नॉट है तो क्या करना, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है। ये चार स्टेप लगाने हैं, ये चार स्टेप लगाने हैं किसके, जब आप सैप लगाओ तो सैप लगाने से पहले चार स्टेप आपको लगा के देख रहे हैं फटाफट। किससे सुनो, जरीना खान फटाफट बता बेटा, करीना खान जल्दी, स्टेप नंबर वन, एक पॉइंट हो गया बेटा। दूसरा, हाँ, तीसरा, डेवलप, फोर्थ, हाँ, और ये जो डिफरेंस आया है ये कैसा होगा, या तो ये, और अगर अनएक्सेप्टेबल है तो अब क्या करोगे आगे, फिर काम बढ़ जाएगा, फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। बहुत बढ़िया, लो भाई लगाओ बेटा, फटाफट लगाओ, टाइम मत लगाओ। सबसे पहला था डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ सैप, क्या वहां पे सैप लग भी सकता, नहीं लग सकता। और सैप लगाने से पहले आपको एक चीज और चेक करनी पड़ेगी, सैप लगाने से पहले आपको एक चीज और चेक करनी पड़ेगी, अकेला एनालिटिकल प्रोसीजर लगाऊं या साथ में टेस्टिंग भी लगाऊं या दोनों का कॉम्बिनेशन लगाऊं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर लगाऊं, सिर्फ टेस्टिंग लगाऊं या दोनों का कॉम्बिनेशन लगाऊं। सर ये कैसे पता लगेगा, सैप वहां पे लग भी सकता है नहीं लग सकता, वहां का डेटा देखना पड़ेगा बेटा, डेटा अवेलेबल होगा तो ही सैप लगा पाएंगे। क्या डेटा को अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग नहीं कर सकते तो सैप कैसे लगा देंगे। किस टाइप का अकाउंट है, कहां से वो डेटा आया है, उस डेटा को प्रिडिक्ट कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, दो तीन पॉइंट आपको उठा लेने, दो तीन पॉइंट लेने, वो भी हेडिंग। क्वेश्चन नंबर टू, इवेलुएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, ये चार मार्क्स का अलग से आ सकता है।
डेटा की रिलायबिलिटी, कंपेयर करने से पहले डेटा की रिलायबिलिटी चेक कर लेना। सोर्स, वो जिस डेटा से तुम कंपेयर कर रहे हो। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, कोई चीज तुमने व्हाट्सएप पे पढ़ रखी है और एक चीज तुमने आईसीए की साइट पे नोटिफिकेशन पढ़ रखी है, किस पे ज्यादा विश्वास करेंगे आप बताओ भाई? उसका सोर्स जो है, उसका सोर्स वो ऑथेंटिक है, उसमें मजा है, उसमें विश्वास किया जा सकता है। तो कंपेयर करने से पहले डेटा का सोर्स पता किया करो। मैंने कहा ओके, फिर ये देखा करो क्या उनके बीच में कोई कंपेरेबिलिटी है भी या नहीं। सर जैसे बेटा एक बात बताओ, क्या सीए के स्टूडेंट को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना चाहिए? हाँ जी, क्योंकि इनके बीच में क्या नहीं है, बोलो क्या नहीं इनके बीच में? शाबाश, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, दूसरा कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, तीसरा कंपेयर भी कर लो, उसका रेलिवेंस भी तो होना चाहिए, उसका नेचर और उसका रेलिवेंस तुम्हारे साथ मैच करना चाहिए। अगर वो तुम्हारे लिए रेलिवेंट नहीं है तो तुम इसको यूज नहीं करना। और फोर्थ, जो डेटा तुम उठा रहे हो, जहां से डेटा उठा रहे हो, ये देखना क्या उस डेटा के ऊपर कंट्रोल्स है। अगर कंट्रोल होंगे तो डेटा रिलायबल होगा, और कंट्रोल नहीं होंगे तो डेटा रिलायबल नहीं होगा। तो इसका मतलब चार चीजें चेक कर लेना कहीं से डेटा उठाने से पहले। सेपरेट क्वेश्चन कैन बी कम क्वेश्चन, स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर थ्री, डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज। यहां से हमने एक रेंज डेवलप करी, क्या करिए, रेंज डेवलप करी, अंदर का नहीं पढ़ना क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से नहीं बनता। फोर्थ पॉइंट है, स्टेप नंबर फोर, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस, जो डिफरेंस निकल के आया है उसको डिटरमाइन करो, क्या वो एक्सेप्टेबल है? अगर एक्सेप्टेबल है तो ओके, अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो फर्दर इन्वेस्टिगेट आपको करना पड़ेगा। हमारे चार पॉइंट से वो क्वेश्चन का खत्म हुआ। नेक्स्ट पे फिर से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, अब की बार क्वेश्चन है टेक्निक, राइट डाउन द टेक्निक्स अवेलिंग वाइल अप्लाइंग सेप, सेप लगाते टाइम आप कौन सी टेक्निक को फॉलो करते हो। तरस आता है मुझे तुम्हारे ऊपर, तरस, टी आर आर एस, तरस, तरस आता है जब मैं लगाता हूं सेप, सेप की क्या है टेक्निक, कंपेयर करने के लिए क्या देखते हैं आप, ट्रेंड का पता करते हैं। ये सबसे कॉमनली यूज्ड टेक्निक है, सबसे ज्यादा यूज होता है। हम रेशियोज निकालते हैं, प्रॉफिट का सेल के रेशियो क्या है, प्रॉफिट का कॉस्ट का रेशियो क्या है, प्रॉफिट का सिमिलर रेशियो क्या है, तो तरह तरह की हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकाल के उनको आपस में कंपेयर करके रीजनेबल चेक करते हैं। सैलरी एक सैलरी अगर 1,00,000 रुपए है तो पीएफ में रीजनेबली कितना पैसा जाना चाहिए, 10%, 15%, 20%, तो ये रीजनेबल टेस्ट। और लास्ट में स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, सर ये क्या है, ये मैथ के अंदर आते थे वो लीनियर रिग्रेशन पोजीशन पता नहीं क्या क्या होते थे, ये स्टेटिस्टिकल टेक्निक भी इसके साथ होती है। तो चार टेक्निक के नाम याद करने हैं, 4 मार्क्स का है। कहता है सैप लगाते टाइम आप कौन से तरीके यूज करते हैं, तरस आता है, टी फोर, जल्दी बताओ भाई, आर फोर, फिर से आर फोर, और सबसे लास्ट में था स्ट्रक्चरल मॉडलिंग के अंदर आपको ये लीनियर रिग्रेशन नाम याद करना है। ये कोई मैथ की टर्म है, कभी आती थी तुमने पढ़ रखी क्या कहीं पे, ये स्टैटिस्टिक की टर्म थी। चलिएगा, टेक्निक हमारी होगी, टॉपिक हमारा खत्म हो चुका बेटा, चैप्टर हमारा ओवर हो गया, बस अब तो सिर्फ बातें चल रही हैं। टॉपिक का नाम देखो मिसलेनियस, जो टॉपिक है नहीं लेकिन हम बना रहे हैं और उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे ही हम मिसलेनियस को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर ओवर। लेकिन खुश मत हो बेटा, ये चैप्टर था ही नहीं, बेसिकली चैप्टर था ही नहीं, ये टॉपिक था जस्ट 10 से 15 मिनट का। अब मैं ये पॉइंट बोलूंगा और तुम्हें इसको पढ़ के आंसर आ जाना चाहिए। आपने एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के जो रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट को छोड़ देना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हाँ भाई जल्दी बोलो बेटा, एनालिटिकल प्रोसीजर के जो रिजल्ट आए उसको इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, तो आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, उनसे एविडेंसेस लेंगे, अदर प्रोसीजर लगा के देखेंगे, अल्टीमेटली जब रिजल्ट आएंगे ये काम क्यों कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो कर रहे थे ना। तो ये 2 पॉइंट यहां से आपको याद करने हैं। नेक्स्ट, फिर से मैं आपसे पूछूंगा, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर हमें ओवरऑल असिस्ट करता है या दुखी करता है? हो गया टॉपिक, टॉपिक हो गया। कंसिडरेशन इज स्पेसिफिक टू पब्लिक सेक्टर एंटिटी, होमवर्क है पढ़ के बताना। पीएसयू में थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, पब्लिक सेक्टर एंटिटी के अंदर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, सबसे ज्यादा गड़बड़, सबसे ज्यादा फ्रॉड कहां होते हैं, पीएसयू में होते हैं, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सर क्यों, खुद का पैसा नहीं होता बेटा,
सरकार का पैसा होता है, पब्लिक का पैसा होता है, इसलिए इसको मिसयूटिलाइज करते हैं। तो वहां पे जाके ये टेक्निक हमें ज्यादा लगानी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा दो लाइनें दे रखी हैं, पढ़ के देखना, क्वेश्चन नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमारा टॉपिक हो गया ओवर, फटाफट निकालिए सेवंथ चैप्टर जिसका नाम है स्टेटिस्टिकल टेक्निक। सेवंथ चैप्टर बेटा जल्दी निकालो, मुझे खत्म करना है ऑडिट सैंपलिंग। चलो इस वीडियो को मैं एक बार